अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेज विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ चिली चिकन। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन लेंगे, एक कांदा लिया है हमने, इसे डाइस्ड में काट लेंगे। एक कांदे में से हम चार टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से हमें कांदे को काट लेना है, ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे और इसके पेटल्स को अलग कर लेंगे। बहुत आसानी से डाइस कांदा बन जाता है। एक कैप्सिकम लिया है, इसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 4 टेबलस्पून हॉट एंड स्वीट टोमेटो केचप लेंगे। सोया सॉस लिया है हमने 3 टेबलस्पून, नमक, 10 लहसुन लेंगे और 2 इंच का अदरक लेके हम इसे फाइनली चॉप कर लिया है। 3 लाल मिर्च लेंगे, इसे हमने हाफ में काट लिया है। 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे। हाफ कप ऑनियन बल्ब लेना है हमें। चिकन में हम 2 टीस्पून रेड चिली सॉस और सोया सॉस डालेंगे। नमक डालेंगे, काली मिर्च डालना है 1 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट कर लेंगे आधे घंटे के लिए। 4 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर डाल लिया था मैरिनेट करने के बाद में, और इसे फ्राई करने के जस्ट पहले आपको मिक्स करना है। और इसे हम लो फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे। हर 2 मिनट के बाद आप इसे फ्लिप करते रहेंगे और क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप इसे निकाल के किचन टेबल पे निकाल लेंगे। 1/4 कप तेल डाल लिया था हमने पैन में, इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक और जिंजर डालेंगे। 2 मिनट इसे फ्राई करेंगे। लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर, 2 मिनट इसे फ्राई करना है। लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, आपको इसका ध्यान देना है। ऑनियन बल्ब डालेंगे, हाफ कप हमने ऑनियन बल्ब लिया था, इसे भी 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। डाइस्ड कांदा डालें, कैप्सिकम डालेंगे। हमें कांदे को और कैप्सिकम को गलाना नहीं है, आपको इसका ध्यान देना है, ओवर कुक नहीं करेंगे, क्रंच रहने देंगे इसे। 4 टेबलस्पून हॉट एंड स्वीट टोमेटो केचप डालेंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्राइड चिकन डालना है, मिक्स करेंगे इसे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था हमने, इसे 4 टेबलस्पून पानी में मिक्स कर लिया था। इसे डालकर 2 कप पानी डालना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे जब तक कि अच्छी तरह से थिक ना हो जाए। ये थिक हो गया है, अब इसे हम गार्निश कर लेंगे स्प्रिंग ऑनियन के साथ में। लास्ट में आप 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक डाल सकते हैं। आप इसे निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। चाइनीज़ चिली चिकन तैयार है। आप इसे फ्राइड राइस के साथ में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।